दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को मिशन कायाकल्प के अंतर्गत खूबसूरत बनाने के साथ साथ मॉडल स्कूल बनाने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा के प्राथमिक विद्यालय भी मॉडल स्कूल की तर्ज पर कॉन्वेंट स्कूल की तरह दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों की दशा और दिशा दोनों सुधर जाने के बाद पागबड़ा की जनता भी स्कूलों की स्थिति को लेकर काफी खुश दिखाई दे रही है। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि पागबड़ा के स्कूल इतने खूबसूरत हैं कि अब दूसरी जगह बच्चों का दाखिला कराने का मन ही नहीं है। स्कूलों में आधुनिक फर्नीचर, बिजली, पानी, प्रोजेक्टर एवं बच्चों के खेलने के लिए मैदान और आधुनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। हमारे संवाददाता ने जब पागबड़ा के निवासियों से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि पागबड़ा के स्कूल पहले स्थिति में ठीक नहीं थे, लेकिन आज किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। स्कूलों में हर तरह की सुविधा दिखाई दे रही है और अभी स्कूल खुलने जा रहे हैं, बच्चे दाखिला करा रहे हैं और अभिभावक भी खुश हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन स्कूलों में बच्चों की संख्या में जरूर इजाफा होगा। पागबड़ा के समाज सेवी एवं बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अपने बच्चों का दाखिला इन सरकारी स्कूल में कराए जाने की अपील की गई है। मैं पैदाइशी पागबड़ा का ही रहने वाला हूँ। पहले स्कूलों की व्यवस्था थी, अब में क्या फर्क देख रहे हो? पहले सब बहुत बेहतर है स्कूल। क्या कमी महसूस करते थे पहले? पहले स्कूलों में सफाई भी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे स्कूलों क्लासों में बैठते पंखे की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, गर्मी में बैठते थे। सरकार के इस कदम को क्या किस नज़र देखते हो आप? सरकार का जो एक कदम है बहुत अच्छा कदम है और बच्चों को अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, पानी की कोई दिक्कत नहीं है और लेटरिन वगैरह सब कंप्लीट है। मानते हो आने वाले दिनों में बच्चों को फ़ायदा होगा इससे? हाँ, बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों को और जितने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे थे अब ज़्यादातर लोग सरकारी स्कूलों में। क्या अपील करना चाहोगे जनता से? बस यही अपील करना चाहते हैं कि जितने प्राइवेट स्कूलों में सुविधा थी उतनी सरकारी स्कूलों में सुविधा दी जा रही है और अब बढ़िया है स्कूल, पहले से बहुत अच्छे स्कूल हैं। क्या कहना चाहोगे उनसे दाखिले को लेकर के बच्चों को? बस अपने अपने बच्चों के जो है सरकारी स्कूलों में दाखिले कराए जाएँ। काम अच्छा हुआ, बेहतरीन हुआ, गुणवत्तापूर्ण हुआ। क्या मानते हैं आने वाले दिन में शिक्षा गुणवत्ता में फायदा होगा? हाँ, इससे फर्क पड़ेगा, एडमिशन भी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। किस तरह की व्यवस्था थी पहले? पहले आपके यहाँ वो जमाने से रखते चले आए हैं? जब मेरे पास काम आया था बेंची भी नहीं थी, बच्चों के लिए पानी की भी समस्या थी, बाउंड्री वॉलों की भी समस्या थी, गेट की भी समस्या थी, बच्चों के विकलांग टॉयलेट की भी समस्या थी, काफ़ी समस्याएं थी, किचन की समस्याएं थी, हाथ धोने के लिए क्या कह रहे हैं वाश बेसिन की समस्या थी, सब चीज़ की सुविधा हो गई है। मेरी ये अपील है पागबड़ा की जनता से कि जितने भी हैं बच्चों को अब जब सारी सुविधाएं यहाँ प्राइवेट जैसी मिल रही हैं इसी में पढ़ाने की कोशिश करें। सरकार काफ़ी सुविधाएं दे रही है, मिड डे मील में खाद्यान्न भी दे रही है, बस्ता भी दे रही है, ड्रेस भी दे रही है, सारी सुविधाएं हैं। स्कूल का कायाकल्प भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया, बिजली फिटिंग भी, पंखे वंखे सब लग गए, लाइटें वाइटें सब हो गई हैं, समरसेबल भी लग गया पानी के लिए, टोंटियाँ भी लग गई हैं, मल्टीपल हैंड वॉश भी लग गया, सब काफ़ी कुछ हुआ है, जितना काम होना चाहिए हर तरीके का हुआ है। छतों पर जो पहले सीलन आती थी पानी रुकता था, छतों पर भी छतें बनी हैं कंक्रीट और बर्जी बैरपुट सीमेंट डालने के बाद में, ढाल वाल सब कुछ सही किया गया, पानी कहीं नहीं मरता है।